राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल लता मैजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल आम का सीजन चल रहा है तो हम आम की ही रेसिपी बनाते हैं। आज हम बनाएंगे आमरस, जो गुजरात की फेमस रेसिपी है। तो चलिए मिलके बनाते हैं साथ में आमरस। आमरस बनाने के लिए मैंने ये तीन आम लिए हैं, इसमें दो सफ़ेदा और एक दशहरी है। आप कोई से भी आम ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो सबसे पहले हम इनको पीसेज में काट लेंगे। सबसे अच्छा तो दोस्तों अल्फांसो आम होता है, अगर वो मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, लेकिन अल्फांसो हर टाइम अवेलेबल नहीं होता। तो जो आपको मिले आप उससे आमरस बना सकते हैं, और गर्मियों के सीज़न में ये बहुत ही अच्छा बनता है, ये ठंडक देता है शरीर को। तो ये हम पीस काट लेंगे इनके, और इनको हमने मिक्सी में प्यूरी बना लेनी है। चाकू की सहायता से हम इनके पीस कर लेंगे। बनने में ये बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। गर्मियों में आम ज़्यादातर सबका फेवरेट फ्रूट होता है, हर किसी को पसंद होता है। मुझे तो बहुत पसंद है आम, तो मैं इसलिए आम की रेसिपी ही बना रही हूँ, आपको भी पसंद आएगा। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में, इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो ये मैंगो पीसेस के साथ साथ मैं इसमें मिल्क और शुगर ऐड कर लूँगी। शुगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा चाहिए। मैंने हाफ कटोरी शुगर ली है, लेकिन मैं सारी नहीं डालूँगी, थोड़ा बचा लूँगी क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो मैं भी अंदाजे से डाल रही हूँ, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे, और साथ ही डालेंगे हम सौंठ पाउडर, ये फ्लेवर देगा। इसमें फूड कलर मिक्स कर लेते हैं, मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है तो मैं ये डाल रही हूँ। आपके पास ऑरेंज या येलो हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा हमारा आमरस, तो आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए। और अब मैं प्यूरी बना लूँगी मिक्सी में। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ये बस अब तैयार है हमारा बन के। इसको हमने चील्ड करके सर्व करना है, जितना चील्ड होगा उतना टेस्टी होगा, और हम इसको खाएंगे पूरियों के साथ में। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लूँगी, और फिर मैं इसको अब पूरियों के साथ सर्व करूँगी। तो अभी हम इसको फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तब तक हम पूरियाँ बना लेते हैं। तो मैंने पूरियों का आटा तैयार करके रखा हुआ है, कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे। इसके लिए मैं रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ, और अब हम बनाते हैं पूरियाँ। पूरियाँ हम सारी एक साथ बेल के रख लेंगे ताकि बनाने में आसान हो, और फिर इनको फ्राई कर लेंगे। तो मैं सारी पूरियाँ एक एक करके फ्राई कर रही हूँ। हमारी पूरियाँ बनके तैयार हो गई हैं, तो हम इनको ठंडे ठंडे आमरस के साथ सर्व करेंगे। आमरस को मैंने चील्ड करने के लिए फ्रिज में रखा हुआ है, तो इसको निकाल लेते हैं और एक बाउल में सर्व करते हैं। दोस्तों, रेसिपी किसी भी स्टेट की हो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, खाने में सभी टेस्टी होती हैं। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए आमरस। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं जरूर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।